पंचकुला में सोमवार सुबह सेक्टर 20 का इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठा। दिल्ली पुलिस यहां एक केस में फाइनेंसर रणवीर राणा को गिरफ्तार करने पहुंची थी। उसने भागने के लिए दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर यूसुफ खान को कमरे में बंद कर दिया और उस पर डंडे से प्रहार किया। इस बीच पुलिस की गोलीबारी लगने से फाइनेंसर गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने दो को गिरफ्तार किया है। राणा को गोली लगने के बाद अस्पताल में दाखिल कराया गया है। जानकारी के अनुसार पंचकुला में सेक्टर 20 में फ्लैट नंबर 104 में रहने वाले रणवीर राणा का फाइनेंस का काम है। उसके खिलाफ दिल्ली में एक केस दर्ज है। दिल्ली पुलिस की टीम उसे गिरफ्तार करने के लिए पंचकुला पहुंची थी। स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर रात को उसकी कोठी पर रेड की गई। बताया गया है कि इस दौरान रणवीर राणा व उसके साथियों ने दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर यूसुफ खान को बंधक बना लिया। उसके सिर में डंडे से प्रहार किया गया। इसमें उसे चोट आई है। कहा जा रहा है कि इसके बाद इंस्पेक्टर यूसुफ खान ने अपने बचाव में गोली चलाई। इसमें रणवीर राणा के पैर में गोलियां लगी। पुलिस ने इसके बाद दो युवकों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। इनके चार साथियों के फरार होने की बात कही गई है। पुलिस राणा को पंचकुला के सेक्टर 6 अस्पताल में लेकर पहुंची। रणवीर राणा अंबाला का रहने वाला है।